तो हाय गाइस, हाई सीपीयू यूजेज ये एक ऐसा शब्द है जो कि आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को ना बिल्कुल खत्म कर देता है, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों के लैपटॉप में देखा है कि 100% सीपीयू यूजेज हो रही है और फिर वो कमेंट कर रहे हैं भाई गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही, क्या करूं। तो आज की वीडियो में हम लोग फिक्स करने वाले हैं ये ही चीज, हाई सीपीयू यूजेज। अगर आप ये 500 स्टेप कर लेते हो तो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। मतलब अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके लैपटॉप में तो ज़रूर हो जाएगी। बाकी अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा अपने आप ही, जाओ करके देखो। कर दिया ना सब्सक्राइब, तो चलो आप फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका रहेगा वो बहुत ही आसान है, रीस्टार्ट। जब भी कोई दिक्कत आए रीस्टार्ट कर लो, बस रीस्टार्ट करो अपने लैपटॉप को। अगर आपको दिक्कत आ रही है, 100% सीपीयू यूजेज हो रही है या फिर आपको परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए, तो एक बार अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करके देखो, कोई बैकग्राउंड में फंक्शन होगा जो कि ठीक हो जाएगा। अब कैसे रीस्टार्ट करना है अपनी मशीन को वो आपको पता होगा। सेकेंड स्टेप के लिए हम लोगों को चाहिए होगा अपना लैपटॉप। अगर आपके रीस्टार्ट होने के बाद भी जो है खत्म नहीं हुई आपकी दिक्कत, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाना है, आपका जो है टास्क मैनेजर खुल जाएगा। अब देखो मेरी जो सीपीयू यूजेज है वो यहाँ पर शो हो रही है 18%, 14%, यहाँ आपकी सीपीयू यूजेज जो है इस साइड पे शो हो जाएगी। अब जैसे ये OBS स्टूडियो है, ऐसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये 7%, 8% सीपीयू यूजेज कर रहा है, जिससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ गूगल क्रोम, ठीक है, ये खोल लिया मैंने, यहाँ पर यूट्यूब चला दी, ठीक है, यहाँ पर जीमेल चला दी, यहाँ पर मैंने वेब स्टोर चला दिया, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से बंद और टास्क मैनेजर खोलता हूँ, तो अब देखो मेरे सीपीयू यूजेज हो चुके हैं 91%, जबकि मैं कुछ कर नहीं रहा। अब बैकग्राउंड में हो रही है या मैं कुछ नहीं कर रहा इस वक्त, फिर भी जो है मेरी 43%, 91% तक जो है सीपीयू यूजेज जा रही है, सिर्फ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और, ठीक है। तो यही करते हैं बंदे, गूगल क्रोम छोड़ देंगे खुला बीच में, मैं कुछ कर तो रहा नहीं तो क्या ही ले लेगा वो, ऐसी बात नहीं है, जो आपने खोला है उसको बंद भी करो। तो इसलिए अगर आपके बैकग्राउंड में कोई ऐसी एप्लीकेशन खुली हुई है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले तो उसको राइट क्लिक कर एंड टास्क। तीसरी जो चीज़ है वो है आपको अपने लैपटॉप में से मालवेयर हटाना पड़ेगा, अगर आपके लैपटॉप में है तो। अब मालवेयर क्या होता है, ये एक टाइप का वायरस होता है जो कि आपके बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है। अब मालवेयर कैसे आता है, अगर आप अपने लैपटॉप में क्रैक्ड सॉफ्टवेयर या फिर कोई क्रैक्ड गेम डाउनलोड करते हो, तो आपके बैकग्राउंड में जो है चोरी छुपे मालवेयर घुस जाता है और आपके बैकग्राउंड में क्रिप्टो करेंसी जो है माइन करने लग जाता है। अब वो तो पैसे कमा रहा है और आपका जो है सिस्टम स्लो हो रहा है, इस वजह से आपको चेक करना है कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं खुला हुआ बैकग्राउंड में, कोई सस्पिशियस स्क्रिप्ट तो नहीं रन हो रही, और जितने भी विंडोज प्रोसेसेस होंगे उसको मैं जो है उसका टास्क एंड नहीं कर सकता, मैक्सिमम विंडोज प्रोसेसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे विंडोज प्रोसेसेस खुले हुए हैं, लेकिन ऐसी विंडोज़ के नाम से ना काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग टूल्स आते हैं, वो बैकग्राउंड में रन होते हैं और उसके पास पैसे पहुंच रहे हैं, आपके पास तो नहीं पहुंच रहे, आपका तो सिर्फ सीपीयू यूजेज और जीपीयू यूजेज हो रही है। इस वजह से अगर आपको कोई भी ऐसा सस्पिशियस दिखे जो कि यहाँ पर टॉप पे हो और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आपको उसको सिंपली एंड टास्क कर देना है, वरना आपका जो लैपटॉप है स्लो होता रहेगा। जो आपको एड शो हो रही होती है वो भी वो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से होती है, इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप अपने आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो काफ़ी सारे एंटीवायरस टूल्स आते हैं, आप उसको डाउनलोड करके जो है रिमूव कर सकते हो अपने लैपटॉप में से मालवेयर। चौथा पॉइंट है, यहाँ पर आपको जो है अपने ड्राइवर्स अपडेट करने पड़ेंगे अपने लैपटॉप के। तो उसको ड्राइवर्स अपडेट करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है स्टार्ट बटन पे और स्टार्ट बटन के बाद आपको यहाँ से सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद सबसे टॉप पे आपको दिख जाएगा विंडोज़ अपडेट, इस पर क्लिक कर देना, और मेरा विंडोज़ अपडेट आया हुआ है जो कि मैंने नहीं करा हुआ, ऐसे ही हूँ भाई मैं नहीं करता कोई अपडेट से अपडेट, लेकिन आपको करना चाहिए ज़रूर। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको लग रहा है यार पहले तो बढ़िया चल रहा था अब क्या होगा इसको, तो अपने जो GPU ड्राइवर्स हैं उसको आप अपग्रेड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अपडेट कर सकते हो अपने GPU ड्राइवर्स को ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आप BIOS अपडेट करके चेक कर लेना। अब मैं आप लोगों को BIOS अपडेट करके तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मॉडल नंबर वगैरह दिख जाएगा सब कुछ, इसलिए दूसरी वीडियोस बहुत सारी बनी पड़ी हैं, जाके देख लेना। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा पावर ऑप्शंस आपको ठीक करने पड़ेंगे। कैसे करने हैं वो, आपको जाना है सर्च बार में और यहाँ पर आपको एडिट पावर प्लान पर क्लिक कर देना, उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे पावर ऑप्शंस में, और यहाँ पर मैंने एसर करा हुआ है, यहाँ पे आप बैलेंस भी कर सकते हो, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का हाई परफॉर्मेंस भी होगा, मेरा भी था हाई परफॉर्मेंस लेकिन मैंने वो क्लोज कर दिया है, ज़रूरत नहीं है ना अभी, तो बाद में कर लेंगे।
तो बस यार यही थे कुछ पांच ऐसे टेक्निक्स या स्टेप्स जिसको आप करके अपने लैपटॉप की सीपी यूजेज को डाउन कर सकते हो और गेमिंग परफॉर्मेंस को अप कर सकते हो। बाकी अगर ये ट्रिक्स आपके काम आई है या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वो जो लाइक वाला बटन है ना वो जरूर से दबा देना। बाकी मैं लैपटॉप से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाते रहता हूँ, नए नए लैपटॉप जो आने वाले थे उसकी खबर मैं पहले ही दे देता हूँ आपको, तो सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करना मत भूलना। मैं मतलब वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।